हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। तो हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर के थर्ड सब टॉपिक जो कि है रेट ऑफ मेजर इन क्वांटिटीज, वो स्टार्ट कर चुके थे कल के लेक्चर में। और इस टॉपिक को समझने के लिए जो कुछ स्ट्रक्चर्स, कुछ शेप्स जो थे इम्पोर्टेंट शेप्स, जो हम क्लास 9-10 में मेंसुरेशन चैप्टर में पढ़ चुके हैं, उन शेप्स के एरियाज, वॉल्यूम्स एंड सरफेस एरियाज हमें पता होने चाहिए, वो हमने कल डिस्कस किए। और बेसिकली रेट ऑफ मेजर इन क्वांटिटीज मतलब किस रेट से, किस दर से कोई क्वांटिटी में चेंज आ रहा है, क्या वो चेंज बढ़ रहा है, क्या वो चेंज घट रहा है, वो चेंज किस प्रकार से आ रहा है, तो वो रेट ऑफ चेंज हम कैसे देखते हैं। कि अगर वो रेट ऑफ चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो नीचे सेकेंड होगा, अगर रेट ऑफ चेंज डिस्टेंस के हिसाब से हो रहा है तो नीचे मीटर होगा। तो रेट ऑफ चेंज किस प्रकार से, किस तरीके से वो रेट चेंज हो रहा है क्वांटिटी का, वो हमें कैसे समझते हैं, वो हम कैसे एनालाइज करते हैं, हम क्वेश्चन की लैंग्वेज से। क्वेश्चन में जैसे मेंशन होता है कि हाँ ये रेट ऑफ चेंज दे रखा है मीटर पर सेकंड के हिसाब से, तो हमें समझ में आ जाता है कि यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट से चीज चेंज हो रही है। तो वो आपको क्वेश्चन को देखकर, बिल्कुल ध्यान से देखकर एनालाइज करना होगा कि यहाँ पर रेट ऑफ चेंज किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो वो हमें क्वेश्चंस पे एक के बाद एक क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करते हैं तो उससे हमें रेट ऑफ चेंज का पता चल जाता है। तो कल मैंने आपको बेसिक आइडिया दे दिया रेट ऑफ चेंज का और कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स जो थे 2D एंड 3D, उनके एरियाज एंड वॉल्यूम्स एंड सरफेस एरियाज मैंने आपको कल बताया। तो आज के लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। सो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर का। सो क्वेश्चन को देखिए आप, है ना, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखा हुआ है द लेंथ एक्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 cm/min, है ना। लेंथ दे रखी है किसकी, रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल की लेंथ जो है वो एक्स दे रखी है और वो दे रखा है कि वो डिक्रीज हो रही है। मैंने कल आपको बताया था कोई भी क्वांटिटी का रेट अगर डिक्रीज होता है तो हम नेगेटिव साइन देते हैं और इंक्रीज होता है तो पॉजिटिव, है ना। तो यहां दे रखा है कि रेक्टेंगल की जो लेंथ है, एक्स मान लिया जाए उसको, वो डिक्रीज हो रही है एट द रेट ऑफ 5 cm/min। तो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज किसके हिसाब से हो रहा है, यहाँ पे रेट ऑफ चेंज टाइम के रेस्पेक्ट में दे रखा है। देखो ना, ये मिनट देख के आपको समझ में आ जाएगा, मिनट का मतलब तो टाइम सेगमेंट में आता है। तो यहाँ 5 cm/min के हिसाब से रेक्टेंगल की लेंथ x डिक्रीज हो रही है ना। तो हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है dx/dt, है ना, dx/dt। x देखो ना, x दे रखी है लंबाई, है ना, और टाइम के रेस्पेक्ट में वो डिक्रीज हो रही है। तो dx/dt दे रखा है हमें 5 cm/min, है ना। और क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है मतलब हम इसको -5 लिख सकते हैं, है ना, डिक्रीज मतलब नेगेटिव। इसी तरीके से ब्रेड्थ y इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 cm/min, यानी हमें दे रखा है dy/dt जो कि दे रखा है हमें 4 cm/min। और ये क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज होता है तो पॉजिटिव, है ना। तो पॉजिटिव तो लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर कोई साइन नहीं है तो ऑटोमेटिकली वो चीज पॉजिटिव ही है। तो dx/dt दे रखा है, dy/dt दे रखा है। अब आपको पूछा है कि किस, मतलब अब आपको ये पूछा है कि रेट ऑफ चेंज मतलब किस रेट से उसका एरिया चेंज होगा और किस रेट से उसका पैरामीटर चेंज होगा, सॉरी ऑर्डर डिफरेंट है, किस रेट से उसका पैरामीटर और दूसरा एरिया, मतलब दो चीजें पूछी है आपको, रेट ऑफ चेंज इन पैरामीटर एंड रेट ऑफ चेंज इन एरिया। और दोनों चीजों में दे रखा है जब x की वैल्यू 8 होगी और y की वैल्यू 6 होगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मुझे पूछा है रेट ऑफ चेंज इन पैरामीटर, तो उसके लिए मुझे सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि पैरामीटर होता क्या है रेक्टेंगल का। तो लेट से मैं यहां डिनोट कर देता हूं, लेट कैपिटल P जो है वो मेरा पैरामीटर है एंड कैपिटल A को मैं एरिया बोलता हूं। तो आप सबको पता है कि पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 times of length plus breadth, है ना, 2 times of length plus breadth। तो यहां लेंथ है x और ब्रेड्थ है y।
तो टू टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई जो होता है वो पैरामीटर होता है। अब आपको क्या पूछा है, रेट ऑफ चेंज इन पैरामीटर, यानी हमें डीपी बाय डीटी पूछा है, हमें क्या पूछा है डीपी बाय डीटी। तो इसका डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, डीएक्स बाय डीटी प्लस डीवाई बाय डीटी, ये हो जाएगा है ना डीपी बाय डीटी। अब क्या आपको dx by dt और dy by dt पता है, ये लिखा है यहां पर, तो ये हो जाएगा 2, dx by dt है माइनस 5 प्लस dy by dt है 4, माइनस 5 में 4 जोड़ेंगे तो माइनस 1 आ जाएगा, माइनस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 आ जाएगा, तो माइनस 2। अच्छा यूनिट क्या आएगी, पैरामीटर जो होगा वो क्या है यहाँ पर x प्लस वाई, यानी सेंटीमीटर प्लस सेंटीमीटर जो कि होगा सेंटीमीटर, और dt नीचे dt है, dt मतलब टाइम, टाइम किस में दे रखा है मिनट में, तो dp बाई dt क्या आ गया मेरा माइनस 2 सेंटीमीटर पर मिनट। क्या आंसर आ गया मेरा, रेट ऑफ चेंज इन पैरामीटर क्या आ गया, माइनस 2 सेंटीमीटर पर मिनट। तो मैं क्या बोल सकता हूं उसको कि 2 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से वो डिक्रीज हो रहा है, देखिए ना नेगेटिव आया, तो पैरामीटर क्या हो रहा है 2 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से डिक्रीज हो रहा है। तो ये तो हो गया रेट ऑफ चेंज इन पैरामीटर। अब मुझे निकालना है एरिया, और यहां दे रखा है एक्स जब 8 है वाई जब 6 है, तो एरिया निकालने के लिए हमें सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल पता होना चाहिए, तो एरिया मतलब हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज इन एरिया है ना। तो पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो लेंथ है x, ब्रेड्थ है y, x इनटू y है ना, तो ये है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। अब हमें पूछा रेट ऑफ चेंज इन एरिया, यानी dA by dt, हमें इसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा, यानी d by dt ऑफ xy करना होगा। देखो xy का मतलब दो चीजों का प्रोडक्ट, इनको मुझे t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो क्या हो जाएगा, पहले x बाहर dy by dt, फिर y बाहर into dx by dt, क्या ऐसे ही मिलेगा, ये हमने डिफरेंशिएशन के बेसिक में सीखा हुआ है प्रोडक्ट रूल में। तो dA by dt हो गया x into dy by dt plus y into dx by dt। अब सारी वैल्यूज आपको पता है, बस आपको वो सब्स्टिट्यूट करनी है। तो देखिए देखिए x की वैल्यू गिवन है 8 सेंटीमीटर, 8 dy by dt आपको पता है कितना है 4, तो 8 into 4 plus y की वैल्यू 6 है गिवन है, और dx by dt की वैल्यू माइनस 5 है, ठीक है। तो अब ये कैलकुलेशन हो जाएगी 8 4 जा 32, 6 5 जा 30 प्लस माइनस माइनस, 32 माइनस 30 इज 2, तो 2 क्या आया मेरे पास पॉजिटिव है ना। अब मुझे बताइए dA by dt, यानी यहां यूनिट क्या आएगी, यूनिट dA मतलब छोटा एरिया, एरिया मतलब लेंथ इनटू ब्रेड्थ, मतलब सेंटीमीटर इनटू सेंटीमीटर, तो यानी सेंटीमीटर स्क्वायर पर dt, dt मतलब टाइम, टाइम किस में है मिनट में है, तो ये आ गया रेट ऑफ चेंज किसका, एरिया का। पेरिमीटर का रेट ऑफ चेंज क्या आया था, पेरिमीटर का रेट ऑफ चेंज आया था, अब इसको कैसे पढ़ सकते हैं, मैं इसको ऐसे भी पढ़ सकता हूं, 2 सेंटीमीटर पर मिनट डिक्रीजिंग है ना, मतलब मैंने क्या बोला, माइनस 2 नहीं बोला, मैं क्या बोल रहा हूं 2 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से डिक्रीज हो रहा है। ये डिक्रीज कैसे, नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि वो घट रहा है ना, और एरिया क्या हो रहा है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट के दर से, एरिया क्या हो रहा है बढ़ रहा है कि घट रहा है, भाई पॉजिटिव साइन है बढ़ रहा है, तो एरिया हो रहा है इंक्रीज, पैरामीटर हो रहा है डिक्रीज। तो क्या ये क्वेश्चन समझ में आया आप सबको, है ना, इजी क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ इसमें कोई ऐसा पार्ट नहीं था जो समझ में ना आए, सिंपली आपको देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है ना, काम किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, देखो मोस्ट ऑफ द टाइम टी के रेस्पेक्ट में ही होता है, लेकिन ये गारंटी नहीं है, हमेशा नहीं है, वो क्वेश्चन की लैंग्वेज से आपको देखना होगा, है ना, ज्यादातर टी के रेस्पेक्ट में रहता है। और पता कैसे करता है,
कि यार किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो ये बताएगा ना आपको, ये आपको यूनिट बता देगी, है ना, यूनिट बता देगी कि दर रेट ऑफ चेंज किस हिसाब से दिया गया है। तो ये था आज के लेक्चर का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, है ना। अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब, एन एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अच्छा, सबसे पहले किसकी बात हो रही है यहाँ पर, क्यूब की बात हो रही है। तो क्यूब के बारे में आपको क्या क्या पता है, सबसे पहले वो लिख लो। हमें वॉल्यूम पता है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, अगर मान लो क्यूब की एज एक्स है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा उसका, एक्स क्यूब, और उसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 6x2। तो जो हमें पता है वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो बोला गया है कि एक क्यूब है, वेरिएबल क्यूब है, जिसकी एज जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्या दर है उसका इंक्रीज होने का, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। किसके हिसाब से हो रहा है, रेट ऑफ चेंज किसके हिसाब से, पर सेकेंड यानी टाइम के रेस्पेक्ट में। तो 3 सेंटीमीटर यानी जो एज जो है वो 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से उसमें बढ़ाव आ रहा है, इंक्रीज आ रहा है। तो हमें क्या दे रखा है, डी एक्स बाय डी टी दे रखा है, ये दे रखा है हमें 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड पॉजिटिव, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है। समझ में आया है ये चीज, डी एक्स बाय डी टी, इसको मैं फर्स्ट नाम दे देता हूं, है ना। आपको पूछा है हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग, हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग, है ना, व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब किस रेट से इंक्रीज होगा, जब एज 10 सेंटीमीटर का होगा। तो वॉल्यूम क्या है, एक्स क्यूब है। तो हम सबसे पहले यहां से टाइम के रेस्पेक्ट में, है ना, डीवी बाई डी टी रेट ऑफ चेंज, है ना, टाइम के रेस्पेक्ट में, क्योंकि टाइम के रेस्पेक्ट में इंफॉर्मेशन गिवन है। तो डीवी बाई डी टी क्या निकाल देंगे हम, टाइम के रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x² × dx/dt, ठीक है। तो डीवी बाई डी टी आ गया ये। अच्छा, अब मुझे ये बताइए डीवी बाई डी टी की यूनिट क्या आएगी, डीवी यानी छोटा वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, है ना, एक्स क्यूब, एक्स क्यूब मतलब यूनिट का क्यूब, यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, तो आएगा सेंटीमीटर का क्यूब पर, टाइम के हिसाब से हो रहा है तो सेकेंड आएगा, है ना। यूनिट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बिना यूनिट के आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, तो यहां आ गया डीवी बाई डी टी, तो ये हो गया 3 × x² एक्स क्या है, उसने बोला कि जब एज 10 सेंटीमीटर है तो एक्स की जगह 10 डाल देंगे, तो 10² × dx बाई डी टी की वैल्यू कितनी है, dx बाई डी टी दे रखा है 3, तो यहां 3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। 3 × 3 = 9 होगा, 9 × 100 हो जाएगा, तो आ गया यहां पे 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये आ गया आपका रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द क्यूब व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो ये हमारा उत्तर हो गया। तो है ना, मजेदार और आसान, बहुत ही आसान टॉपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी, सब सारे क्वेश्चंस इसी फॉर्म में होंगे, आपको क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा, अच्छा क्यूब की बात हो रही है या सिलेंडर की बात हो रही है या कोन की बात हो रही है या स्क्वायर की बात हो रही है, क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा, है ना। जैसे ही आपने देखा अच्छा कोन की बात हो रही है, फटाफट वॉल्यूम और स्फीयर और सरफेस एरिया लिख लो वहां पर उसका, है ना, फिर क्वेश्चन की डिमांड देखो और आगे बढ़ो, है ना, बहुत आसान टॉपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ने पहले पढ़ते हैं फिर उसके बारे में बात करते हैं। तो अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व, पार्टिकल की मूवमेंट दे रखी है, एक कर्व की इक्वेशन दे रखी है, 6y = x³ + 2, 6y = x³ + 2 से एक पार्टिकल की मूवमेंट, है ना, पार्टिकल किस हिसाब से मूव कर रहा है, तो एक कर्व की इक्वेशन दे रखी है, उसके हिसाब से पार्टिकल का मूवमेंट दे रखा है। आपको पूछा है कि वो पॉइंट्स बताइए जहां पर कर्व, है ना, वाई कोऑर्डिनेट जो है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, कर्व पे वो पॉइंट बताइए जहां पर y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 times, 8 गुना, y कोऑर्डिनेट जो है वो 8 गुना तेजी से, x कोऑर्डिनेट के 8 गुना तेजी से वो बढ़ रहा है, 8 times, ठीक है, y कोऑर्डिनेट का रेट ऑफ चेंज जो है वो 8 गुना ज्यादा है x कोऑर्डिनेट के रेट ऑफ चेंज से। अच्छा, अब ये जो सवाल है,
ये सवाल किसी भी ज्योमेट्रिकल सॉलिड स्ट्रक्चर पे बेस्ड नहीं है, है ना? ना ये स्फेयर है, ना सिलेंडर है, ना कोन है, ना क्यूब है, कुछ कोई भी स्ट्रक्चर का सवाल नहीं है। ये बेसिक है ना, बेसिक। जैसे मैंने आपको कल रेट ऑफ मेजर समझाया था एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के एग्जाम्पल से, तो बिल्कुल उसी तरीके का उदाहरण है ना, डिफरेंट तरीके का एग्जाम्पल है जहां पर कोई स्ट्रक्चर नहीं है ना, 2D 3D स्ट्रक्चर नहीं है, बस हमें हमारी नॉलेज से इसको सॉल्व करना होगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए उसने बोला है कि फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, है ना? मान लीजिए जैसे कि ये कोई कर्व है, कर्व पे आपको वो पॉइंट पूछा है ना, कर्व पे वो पॉइंट पूछा है। तो अच्छा, पॉइंट्स क्या होंगे? एक्स और वाई के फॉर्म में आते हैं ना पॉइंट्स, हमेशा ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में आते हैं। तो सबसे पहले हम जो पूछा गया है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, तो ये पूछा गया है, तो हमको पता नहीं है, तो मान लिया जाए लेट द पॉइंट्स ऑन द कर्व बी एक्स कॉमा वाई, है ना? मान लिया जाए कर्व पे पॉइंट है एक्स कॉमा वाई। अब हमें गिवन क्या है? गिवन है हमें कर्व की इक्वेशन, जो कि है 6y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस टू। ये हमें गिवन है। और क्या गिवन है हमें? y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, यानी y कोऑर्डिनेट का चेंज, रेट ऑफ चेंज इन y, यानी dy/dt जो है वो दे रखा है आपको 8 गुना फास्ट एज x कोऑर्डिनेट dx/dt। ये दूसरी चीज गिवन है आपको, है ना? क्या आपको ये चीज समझ में आई? y कोऑर्डिनेट का चेंज 8 गुना ज्यादा है x कोऑर्डिनेट से, तो dy/dt इज इक्वल्स टू 8 × dx/dt। ये इंफॉर्मेशन गिवन है। तो इस इंफॉर्मेशन का यूज मैं कैसे करूं? चलिए अब इसको पकड़ते हैं, 6y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस टू। तो इसको मैं x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूँ, सॉरी, इसको मैं टाइम के रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूँ। तो देखिए, 6y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस टू, इसको मैं t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो 6 dy/dt हो जाएगा भाई, t के रेस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन dy/dt, और एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x² × dx/dt, ऐसा हो जाएगा। और 2 का डिफरेंशिएशन सबको पता है 0 होगा। क्या इस 6 से ये 3 कैंसिल होके 2 दे देगा? तो यहां पर आ जाएगा 2 dy/dt इज इक्वल्स टू x² × dx/dt। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया है, ये इंफॉर्मेशन मुझे गिवन थी, ये इंफॉर्मेशन भी मुझे गिवन थी। मैंने इस इंफॉर्मेशन को टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया ताकि मैं इसका जबरदस्त यूज कर सकूं। अरे भाई, इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा ना, कोई चीज गिवन होगी तो ऐसे ही थोड़ा ना दी गई है, जरूर इसका कुछ ना कुछ उपयोग आएगा। मतलब हमको यहां से ये पता है कि dy/dt जो है ना, वो 8 गुना, मतलब इसको सिंपली हम 8 × dx/dt, यहाँ डॉट से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए आप, यहां से अब देखिए, ये जो सेकंड इक्वेशन ही है ना, ये सेकंड इक्वेशन ही है। अब ध्यान से देखो आप, ये dy/dt जो है वो क्या है, 8 × dx/dt। क्या मैं इस जगह, यहां पर dy/dt की जगह ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दूं यहां पर? देखो ध्यान से, अरे भाई कुछ रिजल्ट लेके आए हम, ये गिवन है तो यहां पे जरूर इसका सब्सटीट्यूशन करना पड़ेगा। तो देखो, 2 और dy/dt की वैल्यू क्या है, 8 × dx/dt, तो 8 × dx/dt इज इक्वल्स टू x² × dx/dt। देखिए, क्या dx/dt से dx/dt कट जाएगा? बिल्कुल, 8 दुनी कितना होता है, 8 2 जा कितना होता है, 8 2 जा 16 होता है ना? क्वेश्चन मिटा देते हैं और बाकी पार्ट ऊपर सॉल्व करते हैं। तो 8 2 जा 16, 16 आया x², 8 2 जा 16 x², तो x² 16 है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, है ना, 4 नहीं, ±4। बहुत डिबेट करते हैं ना हम इस पे, किसी चीज का स्क्वायर है तो उसकी दो वैल्यूज आएंगी, तो ±4 आ जाएगा, है ना?
एक्स की वैल्यू आ गई प्लस माइनस फोर, हमने पॉइंट्स माने हैं एक्स कॉमा वाई, है ना। एक्स आ गया है तो वाई भी निकालना पड़ेगा, तो जब एक्स की वैल्यू प्लस फोर होगी तो वाई की वैल्यू क्या होगी, डालो यहां पर। तो देखिए 6y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, दैट मीन्स 4 का क्यूब प्लस 2, 4 का क्यूब 64 होता है, 64 में 2 जोड़ने पर 66 आता है, तो 6y इज इक्वल्स टू 66, तो y इज इक्वल्स टू 11। आया बात समझ में? जब x की वैल्यू 4 हुई तो y की वैल्यू 11 हुई, और जब x की वैल्यू -4 हुई तो y की वैल्यू क्या होगी, डालो यहां पर 6y इज इक्वल्स टू -4 का क्यूब, -4 का क्यूब होगा -64, -64 में 2 जोड़ेंगे तो आएगा -62, ठीक है ना। -64 में 2 ऐड करने पर -62 आएगा, तो y का वैल्यू हो गया -31 डिवाइडेड बाय 3। ये अरे चमत्कार नहीं हुआ ये, सिंपली 62 का ये 6 से डिवाइड करेंगे ना तो 2 की टेबल में कट जाएगा, तो वाई की वैल्यू आ गई -31/2। तो हमें पॉइंट्स मिल गए, हमने उसने यही पूछा ना कर्व पे पॉइंट बताओ, तो पॉइंट क्या क्या आ गए हमारे। अब हमेशा एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में हम पॉइंट्स देते हैं, तो क्या आया, जब एक्स की वैल्यू 4 हुई वाई की वैल्यू 11 आई, तो 4,11 एंड एंड ये भी तो सेट आया -4,-31/3, तो ये हो गया मेरा आंसर। तो ये वो पॉइंट्स हो गए कर्व पे जब वाई कोऑर्डिनेट 8 गुना तेजी से बढ़ रहा था एक्स कोऑर्डिनेट के, और कर्व की इक्वेशन दे रखी थी और हमसे पूछा गया थे पॉइंट्स, है ना। तो ये पॉइंट आ गए, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वाइट लेक में एक पत्थर फेंका गया है ना, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक, है ना। एक नदी है, लेक है उसमें, है ना, ठहरी हुई नदी है स्टिल, उसमें आपने एक पत्थर फेंका है, एंड जैसे ही आपने पत्थर फेंका वेव्स मूव्स इन सर्कल्स, है ना। तो पत्थर फेंक कर जो वेव्स उत्पन्न हुई उसमें, तो वो कैसे वेव्स कैसे फॉर्म में हुई, सर्कल के फॉर्म में हुई, है ना। तो वेव्स जो हुई मूव्स इन सर्कल्स एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से वेव्स, है ना, मूव करने लगी सर्कल के फॉर्म में, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे सर्कल की बात हो रही है, तो सबसे पहले सर्कल की जैसे ही बात होती है तो सर्कल का एरिया हमें फटाफट पता होना चाहिए। एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। सर्कमफेरेंस भी हमें पता होना चाहिए, 2 पाई आर। देखते हैं किसकी जरूरत है, एट द इंस्टेंट। अच्छा, यहाँ पे आपको दे रखा है वेव्स मूव्स इन सर्कल एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर, सर्कल की बात हो रही है, यहाँ सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। सर्कल में क्या आता है, रेडियस होता है, और क्या दे रखा है हमें, किस रेट से, सेकेंड यानी टाइम के रिस्पेक्ट में। तो क्या आप सब समझ गए, यहाँ पे हमें डी आर बाय डी टी दे रखा है, रेट ऑफ चेंज इन रेडियस, क्योंकि सर्कल की बात हो रही है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना। तो डी आर बाय डी टी गिवन है जो कि 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड है ना। तो ये तो हो गया डी आर बाय डी टी। एट द इंस्टेंट व्हेन रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव्स, जब सर्कुलर वेव्स की रेडियस 8 सेंटीमीटर होगी तो कितनी तेजी से उसका एरिया बढ़ेगा, जब रेडियस सर्कुलर वेव्स की कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर। तो आपको पूछा है रेट ऑफ चेंज इन एरिया, तो हमें पूछा है डी ए बाय डी टी। तो टाइम के रेस्पेक्ट में पाई आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, पाई तो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 आर इंटू डी आर बाय डी टी, तो ये हो गया 2 पाई आर इंटू डी आर बाय डी टी, ये हो गया हमारा डी ए बाय डी टी, मतलब रेट ऑफ चेंज इन एरिया ऑफ सर्कल। तो यहां से हुआ अब ये 2 पाई आर इंटू डी आर बाय डी टी, जो कि हमें गिवन था कि वेव्स मूव हो रही थी सर्कल के फॉर्म में एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो डी आर बाय डी टी की वैल्यू जो कि हम यहां से 5 सेंटीमीटर यानी 5 फुट कर देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 10 पाई आर। और हमें दिया हुआ है
कि जब रेडियस 8 सेंटीमीटर होगा तो रेट ऑफ चेंज क्या होगा, 8 डाल दीजिए यहाँ पर, तो 10 इंटू 8 इंटू पाई, ये हो गया 80 पाई, ये हो गया हमारा डी ए बाय डी टी, यानी रेट ऑफ चेंज इन एरिया ऑफ सर्कल। डी ए छोटा एरिया, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, मतलब रेडियस का स्क्वायर, मतलब सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर का स्क्वायर, और डी टी मतलब सेकेंड। तो क्या आंसर आ गया, 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, है ना। तो बेसिकली आप ये नोट कर रहे होंगे कि रेट ऑफ मेजर्स के जो सवाल होते हैं वो लैंग्वेज बेस्ड है ना, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, है ना, कहानी के फॉर्म में पेश किए जाते हैं। आपको कहानी समझनी है, बेसिकली 90% सॉलिड स्ट्रक्चर्स पे आता है क्वेश्चन, लेकिन इससे जस्ट पहला वाला क्वेश्चन वो वाई ऑर्डिनेट एक्स ऑर्डिनेट वाला किया हमने, और भी रेट ऑफ मेजर पे जो पैटर्न है सवाल बनने का वो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी पूछ सकते हैं, है ना, कर्व पार्टिकल का मूवमेंट दे देंगे टाइम के रेस्पेक्ट में और बोलेंगे वेलोसिटी निकालिए एक्सेलरेशन निकालिए, तो काफी तरीके से सवाल बन सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्वेश्चंस का पैटर्न होता है वो सॉलिड स्ट्रक्चर्स पे ही रहता है। तो ये क्वेश्चन था सर्कल के ऊपर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम डिस्कस, है ना, थोड़ा लेंदी है लेकिन बहुत आसान है, समझो इसको, है ना। सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट अ रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो इस पहली लाइन का क्या मतलब हुआ, किसी पाइप से किसी रेत को, सैंड को हम पोर कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो उसका रेट दे रखा है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के हिसाब से सैंड जो है पोर हो रहा है पाइप से, है ना। तो जो सैंड पोर होके जो गिर रहा है, फॉलिंग सैंड, तो वो जो गिर रहा है जो सैंड, वो क्या फॉर्म कर रहा है, वो गिरा हुआ सैंड एक कोन का स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है। द फॉलिंग सैंड फॉर्म्स अ कोन, है ना, कोन फॉर्म कर रहा है वो ग्राउंड में, और वो जो कोन फॉर्म कर रहा है वो कुछ इस प्रकार से कर रहा है, इन सच अ वे कि वो उसकी जो हाइट है कोन की, हाइट जो है कोन की वो हमेशा 1/6 ऑफ द रेडियस, यानी हमें गिवन है, सबसे पहले तो हमें क्या पता है, वॉल्यूम ऑफ अ कोन, वॉल्यूम ऑफ अ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना। अब हमें यहाँ क्या दे रखा है, हमें देखो सेंटीमीटर क्यूब, यानी वॉल्यूम हमेशा क्यूब के फॉर्म में होगा, पर सेकेंड यानी टी, यानी हमें गिवन है, गिवन हमें है डीवी बाय डी टी हमें गिवन है, जो कि 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है, है ना, डीवी बाय डी टी टाइम के रेस्पेक्ट में, यानी कि पर सेकेंड दे रखा है। और हमें क्या गिवन है कि जो सैंड जो गिर रहा है वो कोन फॉर्म कर रहा है ग्राउंड पर, और कुछ इस तरीके से फॉर्म कर रहा है कि जो कोन की हाइट है वो हमेशा 1/6, है ना, 1/6 है रेडियस की, मतलब हमें ये दे रखा है h इज इक्वल्स टू 1/6 इंटू r, है ना, ये दे रखा है, समझ गए आप, 1/6 को ऐसे ही तो लिखते हैं, है ना। तो मैं यहां से लिख सकता हूं r बराबर 6h, अगर हाइट है ना 1/6 है तो रेडियस क्या है, 6 गुना हो जाएगा ना भाई, 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, तो रेडियस है 6h, है ना। अब वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आपको क्या पूछा है, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द कोन इंक्रीजिंग, यानी h किस हिसाब से, क्या रेट ऑफ चेंज है हाइट का जब हाइट 4 सेंटीमीटर होगी। अच्छा, यहां आपको वॉल्यूम पता है और dv बाय dt आपको दे रखा है, तो dv बाय dt, इसको देखो वॉल्यूम को मैं अब क्या लिख सकता हूं, 1/3 पाई आर स्क्वायर, क्या आर स्क्वायर की जगह मैं 6h स्क्वायर लिख सकता हूं, जी बिल्कुल, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 6h स्क्वायर, मतलब पूरा क्वेश्चन मैं अब h में घुमा रहा हूं, है ना, रेडियस को भी h में कन्वर्ट कर दिया, और h तो h होता ही है, क्यों कर रहा हूं मैं h के हिसाब से, क्योंकि हाइट पूछी गई है ना यार, रेडियस पूछा गया होता तो मैं पूरे क्वेश्चन को r में घुमा देता, लेकिन मैं अब यहां पर h में घुमा रहा हूं। तो देखो v कितना हो गया मेरे पास, 1/3 पाई 36 एच क्यूब, क्या बोलते हो, ये होगा 36 एच स्क्वायर, एच स्क्वायर से एच मल्टीप्लाई होगा तो एच क्यूब होगा, 3 से 36 12 बार कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया 12 पाई एच क्यूब, तो वॉल्यूम हो गया मेरा
पाई एच क्यूब, ठीक है। अब मैं डिफ्रेंशिएट कर देता हूं उसको t के रेस्पेक्ट में, तो अच्छा ये पार्ट मैं अब मिटा रहा हूं, बाकी पार्ट इधर करता हूं। तो वॉल्यूम हो गया मेरा ये 12 पाई एच क्यूब, तो वॉल्यूम को आप t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। क्यों कर रहा हूं मैं ये t के रेस्पेक्ट में, भाई इंफॉर्मेशन गिवन है ना, उसका इस्तेमाल भी करना होगा। तो 12 पाई एच क्यूब, तो 12 पाई तो कांस्टेंट है, एच क्यूब का डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 3h स्क्वायर इंटू डी एच बाय डी टी। यही तो निकालना है हमें, है ना, यही तो, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ कोन इंक्रीजिंग, डी एच बाय डी टी। तो डीवी बाय डी टी, डीवी बाय डी टी जो कि मुझे पता है कितना है, 12 है, तो ये हो गया 12 इज इक्वल्स टू 12 तिया 36 पाई एच स्क्वायर, एच स्क्वायर यानी हाइट कितना दे रखा है 4, तो 4 का स्क्वायर इंटू डी एच बाय डी टी जो हमें निकालना है। बाकी सब आ चुका है, 12 से 36 तीन बार कट जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 होता है, यहाँ 1 आ गया, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 तिया 48 होता है, तो ये हो गया 48 पाई डी एच बाय डी टी, ठीक है। तो डी एच बाय डी टी क्या हो गया हमारा, डी एच बाय डी टी इज इक्वल्स टू 1/48 पाई, ये हो गया मेरा रेट ऑफ चेंज इन हाइट, है ना। यूनिट बताइए क्या है, हाइट डी एच छोटी हाइट, हाइट हमेशा किसमें है, मतलब यहां दे रखा है सेंटीमीटर में, तो ये हो गया सेंटीमीटर पर डी टी मतलब सेकेंड, है ना, तो हो गया हमारा सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो ये हमारा आंसर हो गया 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। आपको पूछा था ये हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन का रेट ऑफ चेंज यानी किस रेट से वो इंक्रीज हो रहा है टी के रेस्पेक्ट में, ऑफकोर्स डी एच बाई डी टी पूछा था हमें, तो पूरे क्वेश्चन को हमने एच में घुमा दिया, कैसे, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन गिवन थी ना यार, ये रही इन्फॉर्मेशन ये वाली कि हाइट जो है वो हमेशा रेडियस की 1/6 था ना, तो 1/6 इंटू आर, तो उससे हमने, हमें पता चल गया कि एच इज इक्वल टू 1/6 इंटू आर है, तो आर कितना है, आर हो गया 6h, वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर की जगह हमने 6h डाल दिया, पूरा वॉल्यूम एच में घूम गया और हमने तुरंत डी एच बाय डी टी निकाल लिया। तो ये क्वेश्चन था हमारा, अच्छा क्वेश्चन था, है ना, बेसिकली क्वेश्चन से ही हमें आइडिया हो जाता है कि बात किसकी हो रही है। तो यहाँ पे मेंशन था ना, उसने पहले बोल दिया कि भैया जब ग्राउंड पे जो मिट्टी गिर रही है तो वो एक कोन का फॉर्म, कोन का स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही है, तो हमने समझ में आ गया कि यहाँ पे कोन की बात हो रही है, तो कोन के प्रकार से हमने इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। यूनिट वापस बताता हूँ, यूनिट लिखना ना भूलिए, बहुत ही आसान है, डी एच बाय डी टी छोटी हाइट छोटा टाइम, छोटी हाइट, हाइट हमेशा मीटर सेंटीमीटर में होती है, क्या होगी, मीटर होगी कि सेंटीमीटर होगी, सवाल बता देगा ना यार, सेंटीमीटर की बात चल रही है तो सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन कोन से रिलेटेड, है ना। तो अब हम हमारा एक नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर का। लास्ट क्वेश्चन हम जनरली टफ क्वेश्चन पे खत्म करते हैं, तो लेकिन आज उल्टा है, आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा आज के लेक्चर का सबसे आसान क्वेश्चन है ना, सीधा यहाँ पे तो सीधा आपसे पूछा गया है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, है ना, सीधा। अब तो आपको खोज छानबीन कुछ नहीं करनी है, सीधा यहाँ पे आपको पता चली गया है, एरिया ऑफ सर्कल आपको पता है पाई आर स्क्वायर होता है, आपको सीधा सीधा उसने बोला डी ए बाई डी आर निकाल के बता दे भैया तुमको, है ना, डी ए बाई डी आर उसने बोला ना विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, है ना। तो भाई इसका रेडियस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर दो, क्या आ जाएगा, 2πr, है ना भाई, r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r होता है, 2r को पाई से मल्टीप्लाई करोगे तो 2πr हो गया, तो रेट ऑफ चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू, विद रिस्पेक्ट टू क्या, रेडियस, है ना, रेडियस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो 2πr आ गया। उसने बोला जब r की वैल्यू 6 होगी तो क्या होगा आंसर, है ना, तो 6 डाल दो यहाँ पर r की वैल्यू, तो कितना हो जाएगा, 6 × 2 = 12π, खत्म, है ना, खत्म हो गया, ये हो गया इसका आंसर, 12 पाई के रेट से
इसका जो एरिया होगा सर्कल का वो चेंज होगा, है ना। 12 पाई आ जाएगा आंसर, जो कि हो गया बी ऑप्शन, ठीक है ना। अच्छा, इन्होंने यूनिट नहीं देखी। अच्छा आप बता दो यहाँ यूनिट क्या आनी चाहिए। डी ए मतलब छोटा एरिया, एरिया मतलब यूनिट स्क्वायर, यूनिट स्क्वायर यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ ऊपर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर और नीचे क्या आएगा, डी आर मतलब छोटा रेडियस, छोटा रेडियस मतलब सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 12 पाई सेंटीमीटर, है ना। ये आना चाहिए, यहाँ पे आपको सेंटीमीटर मिसिंग था। कोई बात नहीं, चार ऑप्शन इस फॉर्म में थे तो आंसर हो गया 12 पाई। तो हम हमारे आज के लेक्चर में जितने भी क्वेश्चन किए कंपैरेटिव, ये सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन था। लेकिन ऐसा कल नहीं होगा, कल के लेक्चर में हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे रेट ऑफ मेजर इन क्वांटिटीज के, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कल का जो लेक्चर होगा, आधे सेगमेंट, आधे फर्स्ट हाफ में हम अच्छे क्वेश्चंस करेंगे और नेक्स्ट हाफ में मैं आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का नेक्स्ट टॉपिक जो होगा टेंजेंट एंड नॉर्मल्स, है ना, वो डिस्कस करेंगे। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अब हम कल मिलते हैं। बाय बाय।